Namaste and thank you everyone. I hope you are enjoying my sessions. So today I have come up with this. How can you manage your negative emotions on daily, daily basis? Um, Do you all know what are these negative emotions? You know, according the dictionary, there are 3500 plus emotions. Hai. Negative and positive. Yeah. Feelings. Emotions means feelings. बट दिन भर में हम लोग कुछ चार या पांच ही चार या पांच ही इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं सो इट्स नॉट दैट कि हम साढ़े तीन हजार एक्सपीरियंस करते हैं बट दे आर वेरी कॉमनअली फील आई वॉन्ट टू इमोशंस आर इम्पैक्टिंग योर लाइफ एंड डू यू नो हाउ डू यू नो हाउ ये जो भी आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो ना सच एज Anxiety, depression, anger, fear, loneliness, lack of self um, self-esteem, lack of confidence, then um, fear of losing, possessiveness, jealousy, irritation, frustration. So all these stress, all these hormones, or in fact, I'm mean going to say all these emotions and feelings release stress hormones like. आपका इम्यूनिटी को ब्रेक करता है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है yes, down if you don't know. ये आपके बॉडी को सस्पेक्टेबल बना देता है इन्फेक्शन एंड इलनेसेस के लिए सो so इफ you're फीलिंग मैंने तो सब इतना अच्छा ध्यान रखा है सब कुछ किया है मेरे अपने बॉडी का ध्यान रखता हूं बट फिर भी मुझे छोटे छोटे इलनेसेस क्यों होते रहते हैं क्यों होते रहते माय डियर फ्रेंड्स चेक योर इमोशंस, इमोशन वॉट गोइंग थ्रू ऑन डेली बेसिस डू यू नो दैट नेगेटिव इमोशंस कैन आल्सो लीड टू इनक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर तो ये ऐसा है कि आई सी दैट एवरी एवरी होम देर इज अ पर्सन हुविंग यू नो दिस ब्लड प्रेशर बीपी प्रॉब्लम Over time, I am telling you, if you daily basis on negative emotions ko experience, kar hai, practice, kar hai, and you are going through that, cardiovascular problems such as hypertension, heart disease, and stroke can happen. I am not scaring you, but I am really warning you that let's start working for it. How you can improve it? How you can come out of it? बिकॉज ये सब तो होगा ही प्लस स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशन से आपके डाइजेस्टिव फंक्शन भी ना वीक हो जाएंगे इट विल लीड टू यू नो इश्यूज लाइक स्टमक एक्स डायरिया कॉन्स्टिपेशन आई बी एस दैट इज इरिटेबल बोल सिस्टम डू यू नो दैट तो आप सोच रहे होंगे मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है एंड ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वॉटर स्टिल एम गोइंग थ्रू दैट ओ माई गॉड Just check what emotions you're going through. It also disturbs your sleep patterns. Your negative emotions interfere karte with your sleep patterns, and if your sleep is not good, trust me, the next day is again much more worse than your sleep. It leads to insomnia and poor quality sleep. And I always advise that seven to eight hours sleep. इज मस्ट एंड साउंड स्लीप इज मस्ट यानी आप जब सोने जाते हो ना डिरेक्टली आपने सुबह आपकी आंखें खुलनी चाहिए जब यू नो अर्ली सवेरा विदाउट एनी डिस्टर्बी विदाउट एनी डिस्टर्ब यू नो डिस्टर्बेंस लिटरली नेक्स्ट यू ऑल्सो कैन अट्रैक्ट हेड एक नेक पेन एंड बैक पेन मतलब आप सोच रहे हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो पूरा um, अच्छे से यू नो सप्लीमेंट्स ले रहे हो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है अगेन आई एम टेलिंग यू चेक योर इमोशंस योर मेंटल हेल्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो इवन विथ दीज नेगेटिव इमोशंस योर मेंटल हेल्थ नो गेट डिस्टर्ब लाइक डिप्रेशन एंजाइटी क्रॉनिक स्ट्रेस आर यू रियली गोइंग थ्रू दैट आस्क योर नेगेटिव इमोशंस कैन लीड टू ओवर ईटिंग एंड दैट विलीड टू वेट गेन सोशल विड्रॉल मतलब आपको चाहिए कि बस आप अकेले में बैठो जाओ कुछ करो ही मत किसी के साथ ज्यादा मिलना नहीं बात नहीं करना अपने आप को एक अलग जगह पे रखना हमेशा अगर क्राउड में भी जाओगे ना मे बी यू जस्ट गो एंड सिट असाइड चेक योर सेल्फ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू इट्स इट्स रियली इजीडे आप अगर न, थोड़ा एक एक स्टेप भी करोगे ना इन फ्यू मंथ्स

If they are good, but what is that negative emotion you are going through? Such as, you know, anger, loneliness, and lack of confidence, and anxiety, stress, frustration, depression, anything, lack of love, self love, anything, whatever you're feeling. Whatever you're feeling, feel is negative. और इसमें से एक ऐसा इमोशन होगा एक या दो ऐसा इमोशन होगा जो आप मैक्सिमम फील करते हो लाइक मोर देन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट लेट मी टेल यू दैट इज योर डोमिनेंट इमोशन एंड दैट इज क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी आपको पता है जब आप बार बार ये फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है लोग आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं आपके बिहेवियर पैटर्न से क्योंकि बार बार आप इरिटेटेड रहते हो है ना कोई भी कुछ भी पूछता है तो आप इरिटेटेड रहते हो तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा अरे यार इससे बात मत करो ये जब देखो चिड़चिड़ ही करता है ये जब देखो ऐसा ही रहता है या आप बार बार गुस्सा होते हो छोटी छोटी बातों पर तो आपकी क्या आइडेंटिटी बन गई बिकॉज योर इमोशंस कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी अरे ये जब भी देखो गुस्से में ही रहता है ये जब भी देखो मुंह फुला के ही रहता है ये जब भी देखो स्ट्रेस में ही रहता है ये जब भी देखो यू you नो know, इतने क्राउड में भी अपने आपको अकेला ही महसूस करता है इस तरह से आप आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो एंड ये आपका पैटर्न अगर रिपीटेड रहा ना तो हमेशा के लिए आप ऐसे ही बन जाओगे आई I मीन mean, जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीजें हैं आपके लिए बट नहीं बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग प्रैक्टिसम दैट एंड हो है ना बहुत मेहनत कर रहे हो दिन भर कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आप कुछ बनना चाहते हो या आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो मे बी इन योर हेल्थ एरिया करियर है ना रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी बट यू आर नॉट एबल टू वाय आंसर इज because maybe on daily basis you're going through some negative emotions simple now if i give you one technique okay very simple if i give you this one technique promise me you will try to follow it try to implement it yes come on yes in the chat window quickly quickly that's beautiful now this technique my students have been doing it since years सिंसियस ठीक है एंड आई एम टेलिंग पैटर्न उनका लाइफ उनका स्टाइल इतना चेंज हो गया है बेस्ट वर्जन द पर्सनैलिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड विद दिस डेली प्रैक्टिस दिस डेली सिंपल प्रैक्टिस मैंने उनके साथ क्या डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे वीक में होते हैं सेवन डेज राइट सो जस्ट राइट मंडे ट्यूजडेडे थर्सडे

जो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल मंडे नो ब्लेमिंग और नो ब्लेम सो उस दिन आप डिसाइड कर लोगे चाहे जो भी सिचुएशन आपके सामने आए जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए यू विल नॉट ब्लेम यू विल नॉट ब्लेम एंड इट्स नॉट बी दैट इजी आई नो दैट बिकॉज normally when we decide today I am not going to blame situations ऐसे आपके लाइफ पे सामने आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अप करना चाहोगी but this is it this is it what I'm saying we are supposed to tell ourselves and literally you know make a note of it stick it somewhere where you can do it ye apne mobile mein लिख lo aap or maybe you know you can um, have these alarms you can set it so like

Loving that I have no time to hate. How did you love this sentence? I'm so busy loving that I have no time to hate. Or I'm so busy loving or appreciating, I have no time to hurt or blame. I am so busy looking at positive things into others that I have no time to complain or criticize. I mean, how did you love this sentence? I always say that. Then I'm busy, so I'm busy doing something productive or something positive. So let's go ahead. So Monday we decided no blame. Tuesday no complaint. Whatever it is, we will not complain. Maybe some issue arises in your society, okay? Maybe in your family, anything, but you are not going to complain. Now you will but at that moment, if I want to say something, what will I say? Say it in a positive sentence, positive way and positive attitude so complaint be hai. so maybe you wanted to say i don't like the way you know um, talk to me you always have a hard way of talking to me or harsh way or i don't like the way you walk and because of you you know i always um, go through this situation instead of saying that what will you say can i request you to please help me out in this so that I can achieve this. This try to say it in a positive way. This will help you and others also. I'm telling you, they'll start respecting you. So Tuesday, no complain. Whatever it is, maybe even you are walking on the road or driving, you will not complain. Key road, traffic jam queue <inaudible> That person is driving so you know badly. कुछ नहीं बोलोगे नो कंप्लेन टेल if इफ यू डू वॉट टू डू tell you. एल टेल्यू इन दस डेड नो क्रिटिसाइजिंग कोई बुराई नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं चाहे कुछ भी हो. Thursday Thursday नो no एंगर गुरुवार के दिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है चाहे कोई भी कितना भी आपको कोशिश करे गुस्सा दिलाने की <laughs> तो आप गुस्सा नहीं करोगे फ्राइडे यू विल नॉट आर्ग्यू नो आर्ग्यूमेंट्स यू विल नॉट आर्ग्यू एंड यू कैन एड योर ओन इमोशन ऑल्सो okay whatever you are feeling in daily basis you can include it with this what i'm saying today saturday saturday like you will be honest i mean <laughs> you will not speak lies <laughs> that is really very difficult and challenging i know that but you will not so देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट इस मैम मैं क्या करता हूँ पता है क्या सैटरडे को मैं बात ही नहीं करता हूं मैं मौन ले लेता हूँ आई जेंट नो दिस इज चीटिंग दिस इज चीटिंग यू आर गोइंग टू टैकल टू स्पीक बट यू गो कंट्रोल स्पीकिंग लाइन्स भागना नहीं है सिचुएशन से उसको फेस करना है तब तो जाके आप अपने आप को कंट्रोल कर सकोगे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकोगे आई रिमेंबर बिकॉज रेखी में फाइव प्रिंसिपल्स होते हैं

They start loving you more. And Sunday, Sunday we are not going to use any harsh words. I mean, no words which will hurt somebody. Or even yourself. ki hurt karte No. So you are not going to do that. So, no harsh words. Or no abusive language. If I can say it in a very clear words did you get that monday to sunday so you can add fear you can add you know whatever you can add with any of the days with the emotions or whatever restrictions i've given to you now normally i'm telling you this will be a challenging moment that just then apne hai karliana वो आपको देखना या आपको फेस करना पड़ेगा एंड यू बी एबल टू इट इज अ चैलेंजिंग मोमेंट कि आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा बट वही तो है ना ये सिचुएशंस ही आपको बनाने वाले हैं बिगाड़ने वाले नहीं है और एक बार आपने ठान लिया ना चाहे कुछ भी हो जाए टुडे आई विल नॉट कंप्लेन टुडे आई विल नॉट ब्लेम टुडे आई विल नॉट बी एंग्री चाहे जो भी हो जाए केस आप हो गए उस दिन ठीक है समझो गुस्सा नहीं होना था और उस दिन आप गुस्सा हो गए तो क्या करना है मैं आपको बोलती आपको वो मट्टी का पॉट आता ना पिगी बैंक बड़ा वाला नॉट दैट छोटा पिगी बैंक बिग वन इज वेरी चीप ऑल्सो यू कैन गेट इट एट एनी जो भी वो कोई प्लांट्स सेल uh, करता है ना उनके पास आपको नर्सरी में मिल जाएगा पॉट पिगी बैंक पॉट ओके जस्ट गेट दैट एंड वेन एवर द डे यू आर

वो पैसा योग अ प्रोमिस ऑन दैट ओके दैट मनी यू विल गो एंड डोनेट टू अ पर्सन हु इज इन नो नीड ऑफ मनी समझ रहे मैं क्या बोल रही हूं जिसके पास ऑलरेडी पैसा है ना उसको आप जाके दोगे तो आप ये मत सोचो ठीक है ना गुस्सा हो गया तो क्या हो गया सौ रुपए बढ़ रहे ना किसी नीडी पर्सन के पास ही तो जाने वाला है कोई बात नहीं कर लेता हूँ गुस्सा कम से कम वो सौ रुपए किसी नीडी के इंसान के काम तो आ जाएगा <laughs> ऐसे तो आप करते ही जाओगे नहीं आप उस को पैसा दोगे साथ बनती नहीं है आप उस इंसान को पैसा दोगे जिसके साथ आपकी बनती नहीं है तब आप बराबर आपका पनिशमेंट बचाओगे यानी बैंक में पैसा डालने से आप अपने आप को रोकोगे

जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमारा प्रोग्रेस बढ़ते ही जाता है सो इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म ये प्लस यू कैन एड योर इमोशंस विच ऑर फीलिंग ऑन डेली बेसिस एंड टेल यूर सेवर वैन डू इट But this is going to help me and you, because even I am practicing, and I want you to also practice like my other students. How many of you loved this way? A very simple way. It's not quite difficult. Nahi hai. Aap sabhi you kar sakte ho. Thirty days, koshish karo. Okay, that is four weeks. Four weeks. I am telling you, the ratio ratio of your you know negative emotions will come down. And you will start feeling positive. You will start using positive emotions. You'll start feeling positive emotions. And that's what I want. Because the more positive you feel, you will attract positive things in your life. But kitne bhi affirmations, you know, remedies. It's not going to work until unless you work on yourself and your mindset and your habits. So emotions is a very important part in your life. And I want you to do that. स आई डोंट माइंड ईवन इफ यू आर राइटिंग आई विल ट्राई दैट्स ओके एट लीस्ट यू आर सेल ट्राई सो आज से तो ठीक है आज आपने लर्निंग्स ली है बट कल से आपको शुरुआत करनी है ये चीज नोट बना लो और कल से शुरुआत कर दो एंड आई होप आपका मेहनत का पैसा ऐसे इंसान के पास न जाए please help yourself from this help yourself from this thank you for that great feedback that's what i wanted so if you love this topic of mine if you love this technique of mine if you really enjoyed it if you felt wow it is real it will work and it has worked for you let me know if it has worked for you i want the comments i would love to read the comments सिफ यू रियली लव दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट नो वीडियो से किसी की मदद हो सकती है किसी को किसी का अच्छा हो सकता है देन डू शेयर ऑफकोर्स उसके पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यूर नॉट बट डू शेयर दिस वीडियो टू दैट पर्सन हुम यू फील कि उसमें भी उसकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए वो भी एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहिए आई एम टेलिंग यू कैन डू दैट वी ऑल शुड डू दैट वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइफ To make their life beautiful, at least at least one person a month. Also, if you try, you no, know, to change their life, blessings are in. Blessings are in your life. Trust me. Yes. So thank you so much. This is Pooja Shah, and I love you all.